मेरा नाम अमितेश कुमार है, मेरी उम्र 30 साल है, मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ। काफ़ी दिनों से मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए थे, 2019 से मैं काफ़ी इससे बहुत परेशान था और मुझे यूट्यूब से पता चला कि QST एक हेयर क्लिनिक है जो कि बहुत ही विश्वसनीय है। यहाँ पे मैंने दया सर और CRD प्रद्युम्न सर का भी मैंने सर्जरी प्रत्यारोपण किया करते हुए देखा, जिससे मुझे लगा कि हाँ यहाँ कुछ सही हो रहा है। यहाँ के स्टाफ और यहाँ के जो पेशेंट से भी मुझे बहुत सेटिस्फाई फील हुआ और मैं यहाँ तक पहुँचा। और मैं 2019 से हेयर फॉल से बहुत ज़्यादा पीड़ित था और अब भी बहुत ज़्यादा इस पर मैं संघर्षशील भी हूँ। और मैंने बहुत जगह ट्राई किया, बहुत क्लिनिक में पता किया और फिर मुझे जाकर एक QST हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में पता चला। मैंने देखा कि मेरे घर में पूर्वजों के भी ऐसे बाल धीरे धीरे करते कम होते जा रहे थे, तो मुझे लगा कि धीरे धीरे ठीक हो जाए। मैंने कई जगह जो है जेनेटिक देखा जाए तो मैंने दवाइयाँ भी यूज की, कई जगह मैंने थेरेपी का भी प्रयोग किया, तो मुझे ज़्यादा बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया। तो मुझे लगा कि अब मुझे कुछ दूसरा ही सहारा लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ तक आया और यहाँ से स्टाफ से मेरी बात हुई, काफ़ी दिनों से चर्चा का विषय भी रहा। मैं कई दिन से प्लानिंग कर रहा था, 1 ईयर्स मैंने ही रजिस्ट्रेशन करा लिया था। तो धीरे धीरे करके आज मुझे बहुत ही एक्साइटमेंट हो रहा है कि मैं बहुत अच्छे जगह आके इसका अपना सर्जरी प्रत्यारोपण कराने के लिए बहुत खुश हूँ। मैंने कई लोगों से राय ली, कई जगह मैंने जानकारियाँ इकट्ठा की, उसमें पता चला लोगों में कुछ ज़्यादा नहीं साइड इफ़ेक्ट हुए और उतना रिजल्ट अच्छा नहीं आया। तो मैंने भी प्रयास किया कि मैं भी करके देखूँ। मैंने कई सारे दवाइयाँ ली और उससे मुझे मेरा रिजल्ट में कोई असर नहीं पड़ा और मैं अंततः फैसला ले ही लिया कि मुझे अब इसके लिए सर्जरी के लिए QST से संपर्क करना चाहिए। मुझे जहाँ तक लगता है कि धीरे धीरे जैसे कि 2019 से मेरा बॉल्डनेस बहुत ज़्यादा इधर आना शुरू हो गया। मैं जैसे कहीं जाता था इवेंट या पार्टियों में तो मुझे लगता था मेरी कॉन्फिडेंस जो एक्टिविटी थी वो स्किल मेरी कमज़ोर होती दिखाई दे रही थी। फिर मैं बड़ा अपने आप को डाउन महसूस कर रहा था, जहाँ कहीं जाता लोग पार्टियों में शादियों में नाचने के लिए लगता था कि मैं शर्म कुमारे क्या करूँगा कैसे। तो एक जो नेचुरल क्वालिटी होती पर्सनालिटी तो थी ही साथ ही साथ, लेकिन अगर बाल नहीं होते ना तो जैसे खिला खिला चेहरा नहीं खिल पाता है और फिर जैसे कोई चीज़ निरर्थक हो जाती है, फिर मुझे समझ नहीं आता। तो मुझे लगता है बाल से बहुत कुछ पर्सनालिटी में निखार आता है, मेरी स्किल डेवलप होना शुरू हो जाती है इसी पर। और घर में भी बहुत से ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिसमें मैं शामिल होना चाहता हूँ, लेकिन खुल के मैं उनके साथ फोटोग्राफी नहीं करवाना चाहता हूँ, क्योंकि तो मुझे बड़ा अजीब सी फीलिंग आती है। ऐसे लगता है कि कुछ भी नहीं है, बाल नहीं तो कुछ भी नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है मुझे। तो मैं सभी अपने दोस्तों को भी बताना चाहता हूँ कि यार इसके लिए अगर कुछ अच्छा सोच रहे हो, अगर आपका बजट अच्छा है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो अगर आपकी एज है, आपको कुछ करना है, बढ़ना है, लोगों के बीच में अपनी एक धाक जमानी है, तो आपको हेयर ट्रांसप्लांट के लिए QST ज़रूर ज्वाइन करना होगा। इसी के साथ मैं QST टीम को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि जब से मैं यहाँ एंट्री किया हूँ तब से यहाँ के सारे जो मेंबर्स हैं, जो QST टीम के टीम हैं, उन्होंने मेरा बहुत अच्छे से स्वागत भी किया और उन्होंने अच्छे से मेरा ख्याल भी किया, मुझे सब कुछ ऐसा कुछ बताया जैसे मैं घर परिवार के भी एक सदस्य हूँ। और जैसे कि मैं कहीं भी जाता था, घर में परिवार में किसी से बातचीत भी करता था, तो लगता था कि बाल की वजह से मैं बहुत ही बिखरा हुआ हूँ। और बचपन में देखा करता था मेरे अगल बगल पड़ोसियों को भी, रिश्तेदारों को भी बाल होते थे, उनके पिताजी को जेनेटिक असर था, मेरे पिताजी को भी जेनेटिक असर है और मेरे अंकल को भी ऐसे चीज़ों से डैमेज हुआ बाल है। तो मुझे लगता है 40 के बाद उनका भी असर हुआ, लेकिन मेरा तो 25 के बाल ही झड़ना शुरू हो गया था। तो मैं कॉलेज टाइम में थोड़ा सा अपने आप को बहुत ही अनकम्फर्टेबल फील कर रहा था और फिर मुझे कई जगह यूट्यूब सोशल मीडिया के माध्यम से कई सारे क्लिनिकों के बारे में पता चला, तो मैंने कई जगह सर्वे भी किया, वहाँ से भी रिजल्ट का एक खुलासा हुआ, तो मुझे सबसे बेटर फील केवल QST हेयर क्लिनिक ही लगा। मुझे शुरू में पता चला कि जब मैंने मैम से बात की QST टीम से, तो उन्होंने बताया कि आपको जो 2500 से 3000 के तकरीबन आपको ग्राफ्ट लगने होंगे। इसमें से आपको दया सर भी आए थे, मैंने उनका ऐड भी देखा, और राजपाल सर आए थे, एक्टर। ऐसे जब एक्टर वहाँ से आते हैं, बाहर से आते हैं, तो लोगों में एक जागरूकता आती है, लगता है कि हाँ कुछ न कुछ तो यहाँ सही हो रहा है, चाहे रिजल्ट के प्रयास में, चाहे कोई कुछ भी इवेंट जो उनके साथ हो रहा है प्रत्यारोपण के विषय में, वो बहुत ही इसका रिजल्ट बेटर फील करके ही आ रहे हैं। और फिर एक साल पहले ही मैंने बुकिंग करा ली थी इसकी, फिर मुझे टाइम नहीं मिला मेरे बजट के अनुसार, मैं इस बार आना चाहा 24 फरवरी में, तो मैम ने बताया कि इस बार आपकी बाल्डनेस थोड़ी सी और बढ़ी है, तो मुझे बताया गया कि 3500-3600 ग्राफ्ट के तकरीबन आपका लगना तय है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं आज बहुत एक्साइटेड भी हूँ, क्योंकि मेरा अब सर्जरी का जो टाइम है आ गया है और मेरे सर पे जो नए नए बाल आएंगे उससे मुझे जो अलग खुशी महसूस होगी, शायद मैं
ऐसा मुझे लगेगा जैसे दोबारा जीवन मिल गया हो। ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा, मैंने सोशल मीडिया पर कई सारे पेशेंट का रिव्यू देखा, उन्होंने बताया कि कुछ ज़्यादा पेन वगैरह होता नहीं है, लेकिन मैं यहाँ तक आगे पहुँच गया हूँ कि मुझे ऐसा भी नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पेन होगा या कुछ होगा, लेकिन डॉक्टर और यहाँ की टीम के सजेशन से लग रहा है कि बहुत कुछ नॉर्मल होगा। जैसे सबके साथ होता है वैसे मेरा भी फील रिजल्ट आएगा, मैं कोशिश करता हूँ सब कुछ अच्छा हो। अभी तक जो मेरा जो कुछ भी रहा मेरे माइंड में, मैंने आपको शेयर किया और दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर करना चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर एक बार यहाँ पर आइए और यहाँ पर सब कुछ देखिए। मैं मिलता हूँ सर्जरी के बाद और मेरा जो एक्सपीरियंस रहेगा मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। थैंक यू पीएचटी टीम। सर्जरी कंप्लीट हो गई है और आने से पहले मैं बहुत नर्वस था, ऐसा लग रहा था कि क्या होगा, पेन होगा, दिक्कत होगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी बन रही थी। केमिस्ट्री टीम हमसे लगातार संपर्क में थी और हर सुविधा को बतौर जिम्मेदारी से निभा रही थी, और जिसमें से कि कई सारे ऐसे स्टाफ भी थे जो निरंतर हमारे संपर्क में बने रहे। उन्होंने एकदम विश्वास दिलाया कि हम आपको बिल्कुल भी नर्वस नहीं होने देंगे। आने से पहले मैं बहुत संशय में था कि क्या होगा। क्यूएसटी टीम ने हमें 2 दिन सर्जरी के लिए यहाँ पर रखा और बहुत ही सुविधाजनक तरीके से उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया। फिलहाल बहुत अच्छा मेरा गया ट्रीटमेंट, और बीच बीच में लगातार उन्होंने पूछते भी रहे, मेरा हाल चाल लेते रहे, कैसे क्या पेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको दिक्कत कोई परेशानी कोई अलग से कोई हो, तो उन्होंने बराबर उसका निस्तारण भी किया। और मैं यहाँ के जितने भी स्टाफ हैं बहुत ही अच्छा व्यवहार उनका था, एक पारिवारिक सा माहौल था। मुझे लग ही नहीं रहा था मैं किसी क्लिनिक में आया हूँ, मुझे लग रहा था हरिद्वार एक ऐसा धार्मिक स्थल है जैसे मैं परिवार के साथ आया हूँ। पूरी तरह से मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही एक्साइटेड था आने से पहले भी, और जा भी रहा हूँ तो बहुत अच्छे तरीके से खुश होकर जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ अपने दोस्तों से भी शेयर करना चाहूँगा कि आप लोग अगर आपको बाल्डनेस की दिक्कत है तो आप लोग ज़रूर यहाँ की स्टेट टीम से संपर्क करें, बहुत अच्छा फील होगा। मेरी सर्जरी में 3600 ग्राफ्ट का तकरीबन लगा, और जहाँ की मुझे डॉक्टरों ने सलाह दिया कि 5 दिन की आपकी दवा भी चलेगी, इसमें बहुत सारी प्रिकॉशन भी हैं, और इसमें बोला गया है कि 5 दिन आपको जो है ड्रेसिंग करनी है और अपने बालों को रखरखाव के लिए कुछ मेंशन भी किया गया है, उसको मैं बता दूंगा। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ मेरा ट्रीटमेंट इस तरह से हुआ है और बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, ना कोई दर्द ना कोई इशू नहीं था इसमें, और सब कुछ अच्छा रहा। मेरा ऑल ओवर एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही सुखद अनुभव रहा है यहाँ जाके। और मैं जल्दी ही मिलता हूँ आपके अपने PRP सेशन में, तो मिलते हैं जल्द। थैंक यू यूनिवर्सिटी टीम। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।